दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाह रहा था, वो ये है कि आप ये पापड़ देख रहे हैं, ये हम इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऑयल में फ्राई करें। इस पापड़ को, इसका बेस्ट तरीका ये है कि जिनको ऑयली चीज़ें पसंद ज़्यादा नहीं होती हैं, वो ये पापड़ लें और इसको ओवन में आप 2 सेकेंड या 2 मिनट्स या इवन 1-2 मिनट्स और 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के लिए आप इसको रख के बना सकते हैं। ये देखें, अभी ये हो रहा है और इसको भी आप देखिए, पापड़ रेडी हो जाएंगे। तो ऑयल की इसमें बिल्कुल बिल्कुल भी ऑयल इसमें शामिल नहीं है, तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ऑयली जो ज़्यादा चीज़ें होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो ऑयल हम लोग कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आपको हेल्दी रहना है। देखें, और ये अभी बन रहे हैं, जैसे तैयार होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इसको माइक्रोवेव ओवन में रखे हैं 2 मिनट या 3 मिनट के लिए, और इसको आप चेक करें। अभी ये बन रहे हैं, जैसे बनते हैं मैं आपके सामने दिखाऊंगा इसको। तीन मिनट कम से कम रखे हैं आप इसको, ना? तो ये देखें, ये बन चुके हैं। बस वो आपको दिखाने के लिए उसको बना रहा हूँ मैं। ऑलरेडी बन चुके हैं पापड़, आप देख सकते हैं कि ज़रा सा भी ऑयल कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा है और ना ये जले में है, बिल्कुल बेहतरीन बने हैं इस ओवन के अंदर। तो इसको आप घर में भी अपने इस्तेमाल करके देखें। आप अगर आपके घर में माइक्रोवेव है, अब तो माइक्रोवेव कॉमन चीज़ है, हर घर में ही होती है। और ये देखें, शायद रेडी हो गए होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तकरीबन रेडी हो चुके हैं, ये देखें आप। ये देखें, आपको अभी आवाज़ भी आई है। ये देखें आप, नो ऑयल नथिंग, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना बिल्कुल ड्राई है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स डालें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।